आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इजी रंगोली मैट लेके आई हूँ। उसके लिए हमें बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत है, एक बुकरम सीड और आर्टिफिशियल गेंदे का फ्लावर और लेस और ग्लू गन। बस चलिए मैं कैसे बना रही हूँ मैं बताती हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले मैं इस शेप में बुकरम सीड को मैं कट कर ली थी और यहाँ पर मैं ग्लू की हेल्प से इसको मैं फ्लावर को मैं चिपका रही हूँ इसे इस तरह से राउंड शेप में। और सेम मैं इस तरह से मैं येलो कलर को भी मैं चिपकाऊंगी। आप लोगों को पता है ये मतलब इतना इजी है ना, मतलब कोई भी बना सकता है। मेरे को तो बहुत मज़ा आया इसको बनाने में। बस प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा ग्लू गन ख़त्म हो गया था तो मैं अपनी फ्रेंड से फिर मांग के लाई थी, पर ठीक है टाइम लग गया था। पर अच्छा है ना, एक चीज़ तो अच्छा है कि मेरे को दिवाली वाले दिन मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस घर पे इस तरह से मेरे को रख देना है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। दिवाली वाले दिन इतने सारे हमें काम होते हैं ना कि रंगोली ना मतलब बन ही नहीं पाता इतना अच्छे से। मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है घर के अंदर रंगोली बनाना, और मेरा छोटा बच्चा है ना तो वो पूरा ख़राब कर देता है। तो अगर मैट रहेगा तो इसको एकदम चाके भी ख़राब नहीं कर सकता, तो है ना बहुत ही अच्छा आइडिया और अलग एकदम। मैं ना हमेशा गेंदे का ना एक रंगोली तो बनाती ही थी जब मेरा बेटा नहीं था, पर अब नहीं बना पाती हूँ। तो अभी मैं सोची कि क्या करूं कि मैं अभी इसको घर पे भी डेकोरेट कर सकती हूं। और ये इतना अच्छा है कि आप लोग कभी भी यूज़ कर सकते हो, मतलब हर साल कितने सालों तक ये चलेगा। इतना कम बजट में आप लोग इतना अच्छा मतलब रंगोली बना के आप लोग रख सकते हो। तो मेरे पास ना पिंक कलर का नहीं था तो मैं क्या कर रही थी कि पॉम पॉम ले ली और येल्लो और ऑरेंज में ना थोड़ा मेरे को लग रहा था पिंक का टचअप दें, क्योंकि मैं लेस जो यूज़ करने वाली थी वो पिंक था। तो यहाँ पे मैं ना इस तरह से ही थोड़ा खुला खुला टाइप का मैं पॉम पॉम बना ली और यहाँ पे मैं इसको चिपका रही हूँ। अभी तो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा कैसा लग रहा, और आप लोग को बता दूँ कि जितना ये वीडियो में दिख रहा है ना मतलब उतना अच्छा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन रियल में ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। आप लोग सोच सकते हो कि आप लोग गेंदे का फूल लेके आते हो और रंगोली बनाते हो तो कितना खूबसूरत दिखता है, बस वही सोचो। और इतना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे मैं ना इस तरह से पैचेस बना रही हूँ। तो मैं ये लेस ले ली थी और बुकरम सीट को इस राउंड शेप पे मैं कट कर ली थी और ग्लू गन की हेल्प से मैं यहाँ पे इसको चिपका रही हूँ। मेरे को ना लग नहीं रहा था कि इतना खूबसूरत पैचेस बन जाएगा, पर मेरे को बहुत पसंद आ रहा था। इस तरह से पैचेस बना के आप लोग तोरण भी बना सकते हो। अभी तो टाइम भी नहीं है, मेरा ग्लू गन आने में भी 4 दिन है, पता नहीं मैं तोरण का वीडियो ला पाऊँगी या नहीं, पर आई होप मैं ट्राई करूँगी कुछ दिवाली के लिए मैं लेके आऊँ। और यहाँ पे पैचेस मेरे बन चुके हैं तो मैं उसको यहाँ पे चिपका रही हूँ बहुत अच्छे से। एक बीच में चिपकाई हूँ और 4 मैं साइड में जो है ऑरेंज कलर का फ्लावर मैं जहाँ पर दी थी मैं उस पे ग्लू की हेल्प से मैं यहाँ पे चिपका दे रही थी। और ये जो लेस आप लोग देख रहे हैं जो मैं पैचेस बनाई थी उसको ही मैं यहाँ पे साइड में ना इस तरह से मैं इसको बॉर्डर दूंगी, ताकि जो मतलब फ्लावर का डिज़ाइन है ना जो उभर के थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है वो पूरी तरह से उभर के आए और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। वैसे तो आप लोग अगर गेंदे का फूल नहीं यूज़ करना चाहते हो तो पॉम पॉम यूज़ कर सकते हो जो ऊन के बनते हैं। पॉम पॉम से ना मतलब एक एक डिज़ाइन ना बहुत ही क्लियर दिखाई देंगे, पर उसमें क्या था ना कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता उसको बनाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना पड़ता। तो मैं सोची चलो ईजी सा कुछ DIY करते हैं जो आप लोग को भी पसंद आए, कम टाइम में आप लोग अगर बनाना चाहते हो तो आप लोग उसको बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, शायद इस तरह से आप लोग को कोई पे भी नहीं मिलेगा। आप लोग को इस तरह से वीडियो कोई बनाया भी नहीं होगा। मेरे को लगा मैं अपने हिसाब से इसको बनाया। और रंगोली के साइड में आप लोग कुछ भी पैचेस या कुछ अच्छा सा आप लोग बना के या दिया रख सकते हो। मैं यहाँ पे पत्ती लेके आई थी और एक एक गेंदे का फूल उसको मैं यहाँ पे लगा दी, और देखिए फाइनल लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। जितना ये मतलब वीडियो में नहीं अच्छा लग रहा है ना उतना सामने से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आप लोग भी इसको बनाइए और अपना टाइम बचाइए दीपावली के दिन,
क्योंकि दीपावली के दिन हमें टाइम ही नहीं मिलता, इतने सारे काम होते हैं ना कि रंगोली कितना बनाओ, और जिन्हें रंगोली नहीं आती बनाने उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उन्हें रंगोली अच्छे से नहीं आती है। आराम से इसको बस ग्लू गन की हेल्प से बस चिपकाना है और अपने घर को डेकोरेट करना है। अगर आप लोग ये वीडियो देख लिए हैं तो फटाफट अपने मार्केट से ले के आइए आर्टिफिशियल गेंदे का फूल, और आप लोग भी बनाइए और अपना टाइम बचाइए जैसे मैं बचा रही हूँ। क्योंकि कौन नहीं चाहता कि अपने घर में भी रंगोली बनाए, और जिनके घर पे बच्चे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो कलर से रंगोली बनाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि इसको आप लोग बना के अपने घर पे रख सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।